दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुंडली में लगने वाले ऋण के ऊपर कि हमारी कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह हैं कि जिसका ऋण जो है हमें इस जन्म में उतारना होगा। कुंडली के भावानुसार दोस्तों हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे कहीं ना कहीं उनसे जो गलतियां हुई हैं दोस्तों उनके जो ऋण हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके बच्चों में वो चलते रहते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। दोस्तों कुंडली के अनुसार 9 तरह के ऋण बोले गए हैं। इनको हम ऋण पितरी भी कहते हैं दोस्तों। और कुंडली के भाव अनुसार ये कौन से ऋण हमें लगे हुए हैं हम अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि इस जन्म में हमें किस ऋण से उपाय करने होंगे। कुंडली में दोस्तों जितनी भी बड़ी अच्छी महादशा लगी हो या अच्छे ग्रह बैठे हों फिर भी हम कहीं ना कहीं समस्याओं में रहते हैं। तो कुंडली में हमें उस जड़ तक पहुंचना चाहिए कि हमें जिस ग्रह से जिस रिश्तेदार से हमें समस्याएं आ रही हैं क्या वो ऋण तो नहीं हमारी कुंडली में। तो दोस्तों ऋण पितरी को हमने 9 तरह से देखा है कुंडली के हिसाब से जिसको हम पितर ऋण भी बोल देते हैं। गुरु का ऋण भी होता है। तो 9 ऋण जो है ये 9 ग्रहों के ऊपर हैं जिसमें गुरु चंद्रमा मंगल बृहस्पति सूर्य शुक्र मंगल केतु राहु शनि और ये 2 9 ग्रह हैं दोस्तों इनके ही हमें कुंडली के अनुसार ऋण लगते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों पितर ऋण के बारे में तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पितर ऋण क्या होता है दोस्तों। दोस्तों कुंडली के अनुसार अगर गुरु के घरों में किसी भी ग्रह की जड़ राशि में उसका दुश्मन आके बैठ जाए तो वो ग्रह भी पीड़ित होगा और जो दुश्मन बैठा है उस हाउस को भी पीड़ित करेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को दोस्तों ऋण पितरी बोला गया है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ दोस्तों कि जो भी ग्रह किसी की जड़ में जाके बैठेगा अपने दुश्मन की जड़ में जाके बैठेगा तो दोस्तों कोई भी ग्रह जब अपने दुश्मन की जड़ में जाके बैठेगा तो वो उस भाव के संबंधित भी फल नेगेटिव होगा और जिस भाव में वो ग्रह कारक माना गया वो भी नेगेटिव फल देगा। तो कुंडली के अनुसार दोस्तों पितृ ऋण जो होता है दोस्तों वो बृहस्पति का ऋण बोला गया है। बृहस्पति के ऋण में बृहस्पति के जो दुश्मन ग्रह हैं दोस्तों बुध शुक्र और राहु जब ये बृहस्पति की जड़ों में बैठेंगे 9 और 12 में और बृहस्पति जिन भावों के कारक हैं वहाँ पे बैठेंगे 2 और 5 और 11 तो 2, 5, 9, 11 और 12 में जब बुध शुक्र राहु बैठेंगे तो बृहस्पति का ऋण लगेगा जिसको हम पितृ ऋण भी बोल देते हैं। तो दोस्तों जब कुंडली में पितर ऋण हो बृहस्पति का गुरु का ऋण हो और गुरु भी कहीं ना कहीं 6-8 में हो और दुश्मन 2, 5, 9, 11, 12 में हो तो बृहस्पति का ऋण जो है वो कुंडली में लग जाएगा। तो जिस भाव में वो ग्रह बैठे हुए हैं उस भाव के संबंधित फल भी खराब होंगे और गुरु के खुद के फल भी खराब होंगे। तो इस चीज़ को आप समझें कि बृहस्पति के ऋण में क्या होता है कि अगर आपने अपना कोई कुल पुरोहित बदला हो जिसको आप अपने धर्म को मानते थे आपने उस धर्म को छोड़ के कोई और धर्म अपना लिया या आपके कोई कुल पुरोहित थे पंडित थे पुरोहित थे आपने उनको छोड़ा और नया कोई कुल पुरोहित बना लिया और कहीं ना कहीं आपने अपने घर में कोई पीपल लगा हो उसको कटवा दिया या पीपल की सेवा नहीं की या फिर आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आपकी बनी नहीं या आपका लड़ाई झगड़ा रहा जब घर में कलेश का वातावरण रहा तो ये गुरु कहीं ना कहीं कुंडली में पीड़ित थे इन भावों में बैठे हुए ग्रहों के कारण
तो बृहस्पति का ऋण जो है कुंडली में लगता है। तो बृहस्पति को अच्छा करें, जिस भाव में वो ग्रह बैठे हुए हैं बुध शुक्र राहु, उस भाव के संबंधित फल को उपाय करें, तो आपको हमेशा अच्छे फल जो है वो मिलते रहेंगे दोस्तों। क्योंकि ऋण पितरी में आपके जो ऊपर जो ऋण लगे हुए हैं, आपको उन ग्रहों का उपाय जो है वो करना चाहिए साल में एक दो बार। अगर स्पेशली उस ग्रह की आपको महादशा ही लगी हो और कुंडली में पितर ऋण उस ग्रह का बना हो, तो आपको वो उपाय करना चाहिए दोस्तों। दोस्तों कुंडली में सूर्य का जो ऋण होता है सवऋण, अगर सूर्य की जड़ों में दोस्तों खाना नंबर 5 में शुक्र देव बैठे हों, शनि देव बैठे हों, तो पंचम भाव पीड़ित है दोस्तों, और सूर्य भी कहीं ना कहीं वीक हों, तो पंचम भाव जो है दोस्तों वो आपका एजुकेशन का है, औलाद का है, आपकी कम्युनिकेशन जो एक नॉलेज है वो पंचम भाव से हम देखते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं खराबी आना, आपकी जॉब में रुकावटें आना, पिता से ना बनना, किसी ना किसी प्रकार से सरकारी कोई ना कोई लिटिगेशन आपके ऊपर हो जाना, या शरीर का साथ ना देना, तो इन कारणों के जो संबंधित ग्रह वहाँ पर बैठे हुए हैं, आपको उन ग्रहों का भी उपाय करना चाहिए और कहीं ना कहीं सूर्य को भी अच्छा करना चाहिए दोस्तों। तो ये सूर्य का पंचम भाव में बैठे हुए ग्रहों का ऋण होता है। बात करें दोस्तों चंद्रमा की, तो चंद्रमा खाना नंबर 4 में माने गए हैं उनकी राशि। तो जहाँ चंद्रमा के घर में केतु देव बैठेंगे दोस्तों, तो माता का ऋण जो है वो लग जाता है। कुंडली में चंद्रमा के घर में केतु देव का बैठना, चंद्र का ऋण यानी कि मातृ ऋण कुंडली में लग जाता है। तो इस ऋण में भी दोस्तों कहीं ना कहीं माता पक्ष की सेहत का ख़राब होना, पढ़ाई में मन ना लगना, बेचैनी बनी रहना, घर में पैसों की तंगी और हेल्थ इश्यूज़ का बनते रहना, इन चीज़ों के जो कारक चंद्रमा माने गए हैं उन सभी में आपको समस्याएं दिखना, फोर्थ हाउस का पीड़ित होना ही होता है जब वहाँ पे वो केतु पे बैठे हैं। औलाद का सुख ना मिलना, ये सब फोर्थ हाउस से संबंधित ग्रह होते हैं दोस्तों। अगर हम बुध के ऋण की बात करें दोस्तों, तो बुध के ऋण में जब खाना नंबर 3 जो बुध की राशि है और खाना नंबर 6 जो बुध की राशि है मिथुन और कन्या, वहाँ पर बुध का दुश्मन चंद्रमा जब बैठा हो, तो बहन बेटियों का ऋण बोला गया है। व्यापार में तरक्की ना होना, बहन बेटियां अपने घर में खुश ना रहना, बहन बेटियों से आपके मन बटाव चलना, या आपकी खुद की मानसिक स्थिति खराब होना, नसों की कमजोरी और दिमाग में हलचल बने रहना, चंद्रमा का बुध के घर में बैठना, बुध का ऋण जो है वो लग जाता है दोस्तों। तो बुध के ऋण का आपको यहाँ पे उपाय करना बड़ा जरूरी है जब कुंडली में चंद्रमा 3 और 6 में बैठे हों, तो इस ऋण का भी उपाय आप जरूर करें अगर आपकी कुंडली में ये योग हो। बात करें दोस्तों हम मंगल की, तो मंगल है आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपका सर्कल, जिन लोगों से आपने फायदा लेना होता है वो सब मंगल की कैटेगरी में है। दुनियावी सुख जो होता है, दुनियावी जो फायदा होता है, सब मंगल की देन है। मंगल है खुशियाँ। तो जब मंगल के घर में 1, 3, 8 में, कुंडली के 1, 3, 8 या कुंडली के 1 और 8 भाव में जहाँ पे मंगल की राशि होती है, वहाँ पे बुध और केतु का बैठना मंगल का ऋण है दोस्तों। कुंडली में रिश्तेदारों से ना बनना, रिश्तेदारों के साथ मन मटेव, दोस्ती का अच्छा सुख ना मिलना, गलत सोसाइटी, गलत दोस्त का मिल जाना, लड़ाई झगड़े, खुशियाँ लेट आना, खुशियों को नज़र लग जाना, बीमारियां, क्लेश, सब बुध केतु 1 और 8 में जब होते हैं तो मंगल का ऋण कुंडली में लगा होता है। तो इसका भी आप जरूर ख्याल रखें। कुंडली में दोस्तों जब शनि की बात करते हैं, तो शनि देव के पास हैं 10th हाउस और 11th हाउस, दोनों इंपॉर्टेंट हाउसेस हैं दोस्तों। 10वां भाव कर्म का है, 11th हाउस आपके इनकम का है। तो वहाँ पर जब शनि के दुश्मन सूर्य, मंगल, चंद्र
ये बैठेंगे तो शनि का ऋण जो कुंडली में लग जाता है दोस्तों। किसी से मकान में सुख कम होना, जैसे ही आपने मकान शुरू किया आपके घर में क्लेश लिटिगेशन स्टार्ट हो गई दोस्तों। मकान डाला लेकिन मकान में शिफ्ट नहीं कर पाए, धोखाधड़ी के केस, पैसों का फ्लो टूट जाना, क्लेश, ये सब चीज़ें जो होती हैं। तो शनि के घर में जब मंगल सूर्य और चंद्रमा आते हैं तो ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो इसमें आप उस भाव के संबंधित ग्रहों के भी उपाय करें और शनि का उपाय भी करें, क्योंकि शनि का ऋण भी है और जिस भाव में सूर्य चंद्र मंगल बैठे हैं तो उस भाव में उन ग्रहों के संबंधित उपाय भी करें, तब जाके आपको उस चीज़ का फायदा होगा। कुंडली में दोस्तों अगर हम बात करते हैं अभी शुक्र की, तो शुक्र देव दो और सात के मालिक हैं, वृषभ और तुला के। तो दोनों भावों में जब सूर्यदेव, राहुदेव, चंद्रदेव बैठेंगे तो स्त्री का ऋण लग जाता है। घर में क्लेश, शादियां ना होना, लड़ाई झगड़े, डिवोर्स, गृह क्लेश, ये सब चीज़ें, वाइफ की हेल्थ का खराब होना, करेक्टर का खराब होना, ये शुक्र के संबंधित जितने भी फल होंगे आपके वो तभी होंगे जब दो और साथ में सूर्य, चंद्र और राहु बैठे होंगे। तो शुक्र का ऋण कुंडली में लगता है, तो इनके उपाय करें, शुक्र के उपाय भी करें और उस ग्रह के संबंधित उपाय भी करें। दोस्तों जब कुंडली में केतु की बात करते हैं तो केतु है आपका झंडा, आपका नाम, शान, शोहरत, आपकी पुत्र संतान, नर संतान। बुरा रूप है, कर्जा, बीमारियां, लड़ाई झगड़े। तो कुंडली में केतु के छठे भाव में जब चंद्रमा और मंगल देव बैठ जाते हैं तो केतु का ऋण कुंडली में लगता है। अगर आपको पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, बुरी नज़र, टोटके, लड़ाई झगड़े, फसाद, हेल्थ इश्यूज, कर्जा, बीमारी, सब चीज़ें आपको फेस हो रही हैं, तो कुंडली में चंद्रमा और केतु के, चंद्रमा और मंगल के उपाय करें अगर कुंडली में छठे भाव में ये ग्रह बैठे हुए हैं तो। केतु का ऋण है कुंडली में। अगर हम राहु की बात करते हैं दोस्तों तो कुंडली में 12वें भाव में जब सूर्य देव, शुक्र देव, ये ग्रहों की स्थिति हो तो कुंडली में राहु का ऋण लगता है दोस्तों, जैसे जालिमाना ऋण भी कहते हैं। तो सरकारी दंड, लड़ाई झगड़े, कहीं ना कहीं लिटिगेशन, चोरी, अपमान, बेइज्जती, ये सब चीज़ें जो हैं राहु की अड़चने, कुंडली में लगना इन ग्रहों दोष को दर्शाता है दोस्तों। तो राहु का ऋण कुंडली में हो, राहु की माँ दशा लगी हो और 12वें भाव में ये ग्रह बैठे हों तो राहु के ऋण के उपाय भी करें और उन ग्रहों के उपाय भी करें। तो दोस्तों इस तरह कुंडली में ग्रहों के ऋण बताए गए हैं। ऋण पितरी में 9 ग्रहों के 9 ऋण हैं। आपकी कुंडली में कौन से भाव में, कौन सी राशि में दुश्मन ग्रह बैठे हुए हैं और उस भाव का मालिक कहाँ पे बैठा हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग ही आप उपाय करें तो आपको इन ग्रहों के फल जो हैं वो अच्छे मिल सकते हैं। अब उदाहरण स्वरूप दोस्तों, खाना नंबर 4 में अगर केतु दे बैठे हों तो मोस्टली केसेस में केतु यहाँ पे उपाय के, हम उपाय कर सकते हैं तो हम केतु के उपाय यहाँ पे कर लेते हैं कि 4th हाउस में आपको केतु के नेगेटिव फल मिल रहे हों। लेकिन कुंडली में चंद्रमा के उपाय भी करें क्योंकि उस घर का मालिक खुद पीड़ित हो तो उसके उपाय भी बनते हैं दोस्तों। चंद्रमा के लिए यहाँ पे चांदी थोड़ी सी लेके आप जल प्रवाह करें। अगर आपके खाना नंबर 4 में केतु हैं तो थोड़ी सी चांदी लेके आप, सह परिवार चांदी लेके उसे आप जल प्रवाह कर सकते हैं, तो इससे चंद्रमा भी अच्छा होगा, केतु भी अच्छा होगा और 4th हाउस आपका जो सुख स्थान है वो अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह कुंडली के उपाय होते हैं दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कुंडली में भी कोई ऋण हो तो आप ज़रूर चेक करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों बेल आइकॉन को ज़रूर आप प्रेस करें। हमारी जो भी वीडियोस आती हैं आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहेगा दोस्तों। हम दिन में 2 बार वीडियोस अपलोड करते हैं तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, ऐसे ही और वीडियोस हम अपलोड करते रहेंगे दोस्तों इस चैनल के ऊपर।
आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।